भाई मैंने इतनी सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं लेटरल हेड की, लेकिन अभी तक मेरा जो है ना ये लेटरल हेड ग्रो नहीं कर पा रहा है। आप भी अगर ऐसी चिंता में और ये ढूंढ रहे हो ना इंटरनेट पे कि यार कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो भाई आज मैं आप लोगों के लिए दो ऐसी एक्सरसाइजेस लेके आया हूँ जिसको आप एज अ सुपर सेट लगाओगे। और ये काफ़ी नई ट्रिक है, सुना होगा इसके बारे में, देखा भी होगा आपने इंटरनेट में, बट इसको लगाया कभी नहीं होगा। और कैसे परफॉर्म करना है ये भी बताऊँगा। ये आपके लेटरल डेल्ट को, इस पार्ट को, विड्थ को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। तो आज बात करते हैं, एक्सरसाइज करके दिखाऊं, बात नहीं एक्सरसाइज करके दिखाएंगे आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना और सब्सक्राइब करने की जरूर सोचना। ऑलराइट, लेट्स गो। ऑलराइट, तो ये एक्सरसाइज को लगाने के लिए थोड़ा सा वाइड एंगल करना पड़ेगा क्योंकि आपको पूरी बॉडी दिखानी है मैम, है ना। तो देखो ये एक्सरसाइज लेटरल मूवमेंट ही है। जब भी आपका हाथ जो है इस तरीके से राइट उठेगा साइड में यूं, तो ऑटोमेटिकली आपका लेटरल डेल्ट ही काम करेगा। लेकिन जब आप स्टैंडिंग लेटरल लगाते हो ना डंबल से यूं ऐसे करके, ये डंबल रेस लगाते हो, तो आपका लेटरल डेल्ट टारगेट तो होता है लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे स्टैंडिंग और सीटेड डंबल रेस नहीं लगाने चाहिए और ये ख़राब एक्सरसाइज है, बिल्कुल ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इफेक्टिव और कैसे बनाया जा सकता है इस पर्टिकुलर मूवमेंट को, ये आज मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जब आप डंबल रेस लगा रहे होते हो, साइड रेस, लेटरल रेस लगा रहे होते हो स्टैंडिंग, तो क्या होता है कि जो ये नीचे वाला टॉप, जो बॉटम हाफ होता है, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। देखो आपका डेल्ट यहाँ पे, ठीक है, और ना ही स्ट्रेच में काम कर रहा है। आपको ज़्यादा टेंशन आती है यहाँ से यूँ, ठीक है, यहाँ से लोड आपको लगने लगता है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मोशन है ये आपका बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो क्यों ना इस मोशन को भी काम में लेके आया जा सके, कैसे, इस तरीके के वेरिएशन से जो मैं अभी बताऊँगा। सबसे पहले आपको ऐसा केबल चाहिए। भाई ये मत बोलना कि मेरे पास केबल मशीन नहीं है, अब इतना तो करना पड़ेगा। देखो केबल मशीन सबसे पहले आप लेके आओगे, लाइट वेट में लगाना है और आपको लीन आउट यानी कि लीन अवे करना है। दो तरीके के मूवमेंट होंगे इसमें, मैं आपको पहले बताता हूँ। एक होगा लीन अवे यानी कि आप इस बार से अवे लीन करोगे, ठीक है, और एक होगा लीन इन, ये यानी कि इस बार के अंदर तरफ जाओगे, बॉडी को अपने लीन करोगे, लीन अवे एंड लीन इन। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीन अवे से और जो केबल से करेंगे हम एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसको कैसे लगाते हैं मैं खाली देख लो पहले आप लोग। इस तरीके से आपको पैरों के बीच से केबल को निकालना है, हाथ से यहाँ ग्रिप करना है, लीन अवे करना है, लीन आउट करना है, और यहाँ से केबल को स्टार्ट करना है, पुल करना, ये यहाँ तक फुल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, फुल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो ये जब आप लगाते हो ना पूरे रेंज ऑफ मोशन में आपको अपने लेटरल डेल्ट पे फील होने लगेगा और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। केबल से लगाओगे ना तो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन ये देखो यहाँ से मिलता हुआ जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आपके ये 10 डिग्री 20 डिग्री थोड़ा सा कम ही लगा यहाँ पे, लेकिन आपको लीन अवे करने की वजह से बहुत इफेक्ट आएगा, खास तौर पे आपके जो टॉप हाफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये तो हो गई लीन अवे। अब लीन इन जब आप करोगे तो क्या करना है, एक डंबल चाहिए इस तरीके से स्लैंटेड, लेट जाओ और यहाँ से स्टार्ट करो ये। अब जब आप लीन इन कर रहे हो ना तो यहाँ से लेकर डंबल जो यहाँ से उठ रहा है और ये यहाँ तक स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा, जो आपको स्टैंडिंग में कभी नहीं मिलता। तो ये देखो ये जो स्ट्रगल है ना ये बहुत ही ज़रूरी है आपके डेल्ट के लिए। अब इस तरीके के दोनों मूवमेंट्स जब आप लगाओगे तो आपको हेल्प मिलेगी। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अभी सप्लीमेंट्स परचेज कर रहे हैं तो माई प्रोटीन जो है बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर लेके आया है अपने वे प्रोटीन्स में, जैसे कि केसर बादाम। बचपन में आपको आइसक्रीम खाने का बड़ा शौक होगा, राइट, इस तरीके के फ्लेवर्स का, तो भाई आप प्रोटीन पाउडर में भी आप इसको ले सकते हो। और अगर आप क्लियर वे पसंद करते हो तो उसमें शरबत फ्लेवर, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है और आप अभी चेक कर सकते हो, सेल चल रही है, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, यूज़ कर सकते हो मेरा कोड। एंड लेट्स गो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इसको कैसे लगाएंगे। अब देखो बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको पॉइंट वन में ही मैंने आपको बता दी, लेकिन एक्चुअली इसको लगाना कैसे है ये समझना। आपका केबल हमेशा नीचे लॉक में होना चाहिए, सबसे नीचे। आपका जो ये रोप है यानी कि जो हैंडल है वो आपके पैरों के बीच से आएगा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। ये ग्रिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर आप बहुत ऊपर करोगे ना तो बहुत अनकम्फर्टेबल पोजिशन बनेगी, तो इसको मिड में रखना, ठीक है। उस तरीके से आपको इस तरीके से लेटना है, आपका ये हाथ भी थक सकता है तो ध्यान देना भाई, ठीक है, स्ट्रॉन्ग चाहिए ग्रिपिंग। यहाँ से जब आप स्टार्ट करोगे तो कंट्रोल करना है, बहुत लोग ऐसे लगाते हैं ये ना, कंट्रोल करो, पूरा स्ट्रेच करना है, सर्कुलर मोशन बनना चाहिए, देखो ये, ठीक है। तो इसीलिए वेट वही लगाना जो आप उठा सको, सर्कुलर मोशन, ठीक है, ओके, सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन,
नाउ अब जब आप डंबल से लगाओगे तो डंबल से क्या करना है, जब आप लीन इन करोगे तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें जो है ना स्टेबल रखनी है, मतलब ऐसा ऐसी जगह पे ही लीन इन करना जो स्टेबल हो, स्ट्रांग हो। सो आपने लीन इन किया, अब मैं क्या करता हूँ यूजली ये वाले पैर को फिक्स कर देता हूँ, यानी कि जो बाहर वाला पैर है उसको फिक्स करता हूँ और जो अंदर वाला पैर है उसको पीछे निकालता हूँ, ये देखो पीछे इस तरीके से, ठीक है, तो फिक्स हो जाता है। और डंबल को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हो, साइड से भी कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि मैं यहाँ से करूँ, थोड़ा सा मोमेंटम मिलता है हल्का सा और फिर जाके यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है। ये अब देखो जब आप ये मूवमेंट कर रहे हो तो ये जो ये वाला पार्ट है ना स्ट्रेच पार्ट, लेटरल डेल्ट को कभी भी स्ट्रेच पार्ट में उतना इफेक्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन ये लीन इन पोजिशन में ये स्ट्रेच पार्ट में भी इफेक्ट पड़ रहा है। देखो यहाँ से डंबल यहाँ उठ रहा है लेकिन मेरा डेल्ट पूरा फायर हो गया, लेटरल डेल्ट, और फिर यहाँ से फिर पूरा और ऊपर। सो दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग वेरी गुड एक्सरसाइज, ठीक है, ये देखो राइट। सो जब आप ये मूवमेंट करते हो ना तो फुल रेंज ऑफ मोशन में, मतलब कि लेटरल रेस के पूरे रेंज ऑफ मोशन में यू गेटिंग द इम्पैक्ट ऑन योर लेटरल डेल्ट, जो स्टैंडिंग में आपको नहीं मिलता, यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप ये दोनों ही एक साथ लगाओगे। अब एज अ सुपर सेट जब आप कर रहे हो ना तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, लेटरल डेल्ट इतना फायर हो जाता है कि जो उसको चाहिए, छोटा मसल ग्रुप है लेकिन उसको इंटेंसिटी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, जो अक्सर लोग नहीं दे पाते। सो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प यू। ऑलराइट, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि भाई आपको इसको कब लगाना चाहिए और किसे लगाना चाहिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे बिगिनर्स जो है ना वो आपको ट्राई मत करो आप इसको लगाने का, क्योंकि पहले आपको परफेक्ट करने हैं अपने नॉर्मल मूवमेंट्स, पहले आप स्टैंडिंग लेटरल रेस को तो समझो कि भाई हाथ कैसा जाना चाहिए और क्या कहाँ पे टारगेट होता है, वो फील कहाँ पे आना चाहिए, स्टैंडिंग कैसे लगाना है, वेट को वजन को यू नो हैंडल करना आना चाहिए, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज में मूव करोगे। सो बेसिकली इंटरमीडिएट टू एडवांस लोगों के लिए ये बहुत ही सही काम करेगा। नाउ इंटरमीडिएट टू एडवांस लोग भी जो हैं वो इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, जब आप इसको अपनी एक्सरसाइज रूटीन में ऐड करोगे तो कोशिश ये मत करना कि आप हफ्ते में चार बार इसे लगा रहे हो, नहीं, हफ्ते में एक बार दो इसको इम्पैक्ट इसका, यानी कि वीक में जब आप लेटरल डेल्ट को टारगेट कर रहे हो, चलो दो बार करते हो तो एक बार जिस दिन आप लेटरल डेल्ट को कर रहे हो उस दिन आपको इसको लगाना है। ये सुपर सेट आप जब लगाओगे तीन से चार सेट देना अपनी वॉल्यूम के हिसाब से, जितना वॉल्यूम आप उस टाइम पे ले रहे हो अपनी ट्रेनिंग में, तीन से चार सेट, और हर सेट में आप 10 से 12 रेपिटेशन, यानी कि एक एक्सरसाइज में लीन इन में भी 10 से 12 रेपिटेशन और लीन अवे में भी 10 से 12 रेपिटेशन, वेट ऐसा ही लगाना। अब देखो वेट का सिलेक्शन का आपको बताता हूँ, ये वेट मैंने कितने पे लगाया पता है, जो सबसे नंबर वन पे होता है ना, मतलब कोई वेट नहीं, बस वो मैं उठा रहा था। जब मैं अगर एक्चुअल में ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो उठाता हूँ, किसमें, केबल मशीन में, और उसके बाद डंबल कौन सा है, ये डंबल जो मैं उठा रहा था ये 4 किलो का है, और मैं 4 किलो से ही करता हूँ। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लीन अवे से, ठीक है, 10 किलो के प्लेट से, उसके बाद करता हूँ 4 से। सो बेसिकली 10 से 12 रेपिटेशन आते हैं बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में टेक्निक के साथ। सो दैट्स हाउ यू टारगेट योर लेटरल डेल्ट। अब अगर आप इस एक्सरसाइज को ऐड करोगे तो कोशिश करना कि एटलीस्ट आप इसको 4 से 5 वीक ट्राई करो लगातार, तब जाके आपको इम्पैक्ट महसूस होगा आपके लेटरल डेल्ट में और लगेगा कि हाँ कुछ यू नो डिफरेंट फील हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू डू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस पर्टिकुलर मूवमेंट में तो नीचे में मुझे पूछ सकते हैं, और ऐसे ही कोई और वीडियो आपने देखने किसी और मसल पार्ट के तो आप नीचे मुझे बताइए। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जी सर, साइन ऑफ।